Hey fam, welcome back to the 10 Star. So we are back again with another video and another attitude वाली video जिसमें सलमान भाई की video होने वाली है. सलमान भाई का attitude की इतनी सही videos है ना कि I can make you know infinite part of it. तो आज हम लेके आए हैं second part. अगर आपने first part check out नहीं करा तो जाके check out करना और ये video होने वाली है amazing to enter देखना. Let's begin. Let's देखते हैं ये video कैसी है. भाई आप ज्यादातर तो एक्शन फिल्में करते हो. जी सर. रियल लाइफ में आपके जो रोमांटिक किससे ज्यादा पॉपुलर है? फिल्में ज्यादा रोमांटिक नहीं करनी चाहिए आपको? ऐसा सर अब बार बार दोहरा दोहरा के सर बोरिंग हो जाता है सर. ये ऑफ स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन भी. ये भी सही है. सलमान भाई की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि लोगों को देखना है, फोटो खिंचाना दूर की बात है, उनको हाथ लगाना, चाहे वो औरत हो, वो लड़की हो, आदमी हो, सीनियर सिटीजन हो, बच्चा हो, जो भी हो. ये खाली मैंने सिर्फ सलमान भाई के साथ देखा है वर्ल्ड में. और किसी स्टार के टच करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं, छू के देखना चाहते हैं. आप वर्ल्ड कप का इम्पोर्टेंट मैच देखना चाहते हैं लेकिन आपकी जानू बाहर जाना चाहती है, घूमने जाना चाहती है आपके साथ, मूवी देखने, लेकिन आप क्या करोगे? मैं उसे छोड़ दूँगा. सलमान भाई सिंगल बॉयज के मसीहा हैं. मसीहा शाहरुख खान से मिले हो कभी? शाहरुख खान से नहीं मिला है, सलमान खान से मिला हूँ. उसको हमने स्पॉन्सर रखा था तो उसके शूट के लिए मिला था. शूट से पहले मतलब कि उसको ब्रीफ करने के लिए कंपनी क्या है, तो 3 घंटे बैठा था उसके साथ. उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फोटो नहीं खिंचवानी सर, थोड़ा बुरा मान जाते. मैंने साले मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो बाढ़ में ना तू. मतलब ऐसे कौन सा हीरो पंती हो गई कि. बट बंदा बहुत स्मार्ट है. मतलब वो जो लोगों को लगता है ना कि हवा में है, बंदा बहुत जेन्युइनली बहुत स्मार्ट है. उसको बिजनेस समझता है, उसको ब्रांडिंग समझती है, उसको अपनी इमेज बहुत क्लियर है क्या है. तो जब हम ऐड बना रहे थे तो उसने क्लियर बोल दिया था, यार देखो मेरे को ना तुम लार्जर देन लाइफ ही दिखाना. क्योंकि कह रहा है मैंने पिक्चर भी बनाई थी ट्यूबलाइट, वो पिट गई क्योंकि मेरे को उसमें मंदबुद्धि दिखा दिया और वो जनता को पसंद नहीं आता. राइट. तो एंड मेरे को लगा बहुत सही बंदा है अगर इसको अपनी ये सब चीज़ों की रियलाइजेशन है ना तो बहुत सही है. मेरा कोई बड़ा भाई है नहीं, मैं संजय दत्त को अपना बड़ा भाई मानता हूँ और उसका कोई छोटा भाई है नहीं तो मुझे अपना छोटा भाई मानता हूँ. आपको अच्छा नहीं लगता वो जब ऐसे लड़कियों से बात करते हैं? नहीं, बट सिर्फ विदेशी क्यों, हम जैसे देसी लड़कियां क्यों नहीं? विदेशी माल मुझे अच्छा लगता है. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अब तक के जितनी मूवीज में काम किए हैं आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें आपके पसीने छूट गए, आपने बहुत मेहनत की हो? एक कैरेक्टर करते हुए मुझे बहुत डर लगा था, वो है तेरे नाम का कैरेक्टर. If not in the film industry, what should the following people do if they were not given a chance to be in the industry? Kareena Kapoor. Housewife. Priyanka Chopra. Housewife. Priyanka Chopra will make a lovely wife. What advice would you give to the following people if you had to? To Ranbir. Have fun. To Katrina. Keep on. Make sure he doesn't have fun. Okay. If you woke up in the morning and realized you were Sanjay Leela Bhansali, what would you do? I would wonder where Karan Johar is. Or where Karan Johar has been last night.
भाई। मैं एक शूट कर रहा था, मुझे भाई का फोन आया, तो किसी ने आके बोला कि अरे सलमान भाई का फोन आया। मैंने कहा उनको बोल बाद में बात करूंगा, सलमान भाई मतलब वो डांसर। अरे नहीं सलमान भाई मेन वाले हैं। मेन वाले तो मैंने डायरेक्टर बोला सर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। नहीं तो दुनिया में कोई माइकल लाल है जो सलमान खान को गोली मार सके? ऐसी कोई गन बनी ही नहीं है। दिल से बोलो फाइनली डू यू फील लाइक अ स्टार? और दिल से मतलब स्टार पता क्या होता है? क्या होता है स्टार? होता है जब मैं भूषण साहब के बंगले से कभी कभी गुजरता हूँ रास्ता जाम होता है। सलमान खान को देखो तो मतलब लाठी चार्ज करना पड़ जाता है, वो सिर्फ अपनी बालकनी से आके हाथ हिलाता है आदमी। तो दो साल स्टार्ट सही बात है, मतलब आप शाहरुख खान को देखो बर्थडे पे, सलमान भाई को देखो जब भी बालकनी पे आना, सिर्फ ये कर रहा है भाई लोग सलमान भाई फैन सकते हैं। इटली यही होता है ना स्टार्स, लाइक इंडिया में स्टार्ट में वो बाहर नहीं। सर मैं आपको एक चीज बोलूं, कुछ ना बोले आप, कुछ ना बोले, कुछ ना बोले, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ जैकेट निकला है, शर्ट निकालने में मजबूर मत करो आप मुझे। जो लाइक कैरेक्टर्स हो गए हैं ना सलमान भाई के, वो एक्चुअल रियल लाइफ पर्सनालिटी से रिजेंबल करते हैं। ट्रू भाई ट्रू। और जो मुझे लगता है जो जैसे तेरा नाम वाला करेक्टर था ना, तेरा नाम वाला, तो वो एटीट्यूड ही मतलब ना जैसे सूट करता बहुत, मतलब ऑल दो सलमान सेड की वो मतलब डिफिकल्ट था टू प्ले, बट आई थिंक प्रोबेबली इट वाज पर्सनली डिफिकल्ट, क्योंकि होता है पर्सनालिटी कैरेक्टर जैसे बन जाता है वो मूवी ही, मतलब करेक्टर ही ऐसा था कुछ सबके लिए, मतलब लगता है जो जो सलमान भाई का फैन हो वो स्पेशल करेक्टर था एक ऐसा। बट सलमान भाई सिंगल लोंडो के सारे मसीह हैं एंड ये थी अमेजिंग वीडियो। और मुझे अच्छी चीज़ लगी जो हमने पुरानी वीडियो कवर करती थी, सारी वीडियोस अलग थी, बिल्कुल डिफरेंट थी, कोई रिपीट नहीं हुआ, तो बहुत मजा आया देखने में। एंड अगर आप चाहते हो उसका पार्ट 3 भी आए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताना। मेक श्योर यू गिव अस अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय बाय।